Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? Attendance बनाना है and you all know the process. Comment section में जाके वहाँ पे अपना नाम लिख देना है ना? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपने parents को बोलिए, वो आपका attendance बना देंगे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, गुड. चलिए, बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस? गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पिछले क्लास में मैंने आपको पेयरिंग वर्ड के बाद ये जो है सॉरी पेयरिंग वर्ड के बाद मैंने यूज ऑफ आईएनजी पढ़ाया था, है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आईएनजी लगा के हम न्यू वर्ड बनाते हैं ना, जैसे गोइंग, डूइंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग. इस तरीके से मैंने 20 वर्ड्स आपको लिखवाए थे, है ना. तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मंथ्स नेम के बारे में, ठीक है. जैसे मैंने एक बार ही आपको लिखवाया था डेज इन अ वीक, है ना, विथ हिंदी मीनिंग, मतलब सप्ताह के दिनों के नाम लिखना था हिंदी मीनिंग के साथ. उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं राइट द मंथ्स नेम विद देयर हिंदी मीनिंग. साल के महीनों के नाम लिखना है उसके हिंदी मीनिंग के साथ, है ना. आपको वैसे तो आता ही होगा जनवरी फरवरी, है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ मैं एक साथ कलेक्शन करवा रही हूँ, एक साथ लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद करने में और आसानी रहे, ठीक है. चलिए फिर नोटबुक निकालिए और पेंसिल इरेजर भी साथ में रखिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा. साल का जो पहला महीना होता है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? जनवरी, है ना, इसको जनवरी बोलते हैं. और हिंदी में क्या बोलते हैं? जनवरी, है ना. चलिए साल का दूसरा जो महीना होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फरवरी, है ना. और हिंदी में फरवरी को क्या बोलते हैं? फरवरी, है ना. चलिए थर्ड जो मंथ होता है उसका क्या नाम है? मार्च, है ना, जिसको कि हिंदी में भी क्या बोलते हैं? मार्च ही बोलते हैं, ठीक है. फिर आता है मार्च के बाद अप्रैल, सॉरी यहाँ पे इसको अप्रैल बोलते हैं, है ना, और हिंदी में भी इसे अप्रैल ही बोलेंगे. ओके, okay?
चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? मई, है ना। इंग्लिश में इसे मई बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं मई। ओके, और मई के बाद आता है जून, ठीक है। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जून बोला जाता है। जून के बाद कौन सा मंथ आता है? पता ही होगा आप सबको, जुलाई, है ना। और हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे? जुलाई। चलिए, जुलाई के बाद आठवां महीना जो होता है उसे बोलते हैं अगस्त, है ना। और अगस्त को भी हिंदी में बोलते हैं अगस्त ही। चलिए फिलहाल तो इतना ही जगह है, तो इतना पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी के जो 4 महीने हैं उसको भी नोट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देती हूँ। और हाँ, लिखने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखना है, ठीक है। मैंने उधर लिखा है क्योंकि मैं रोज वहीं पे लिखती हूँ। आप लोग बीचों बीच लिखोगे नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद लाइन में आपको लिखना है ये वाला लाइन, ठीक है। राइट द मंथ्स नेम विद देयर हिंदी मीनिंग, जो कि एक लाइन में अटेगा नहीं तो 2 लाइन में इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी या तीसरी लाइन, जितना में आपका ये हेडिंग आएगा उसके बाद वाले लाइन से आपको इसको लिखना है, ठीक है। एक बार मेरे साथ पढ़िएगा, JANUARY, जनवरी, है ना। उसको हिंदी में भी जनवरी ही बोलते हैं। फिर FEBRUARY, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फरवरी। इंग्लिश में फेब्रुवरी बोला जाता है। फिर MARCH, मार्च, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में से मार्च ही बोलते हैं। फिर APRIL, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रैल, है ना। इंग्लिश में अप्रैल और हिंदी में अप्रैल, सॉरी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं अप्रैल और हिंदी में इसे अप्रैल बोलते हैं। फिर MAY, मई, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं मई। फिर JUNE, जून, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम इसका जून ही है। फिर JULY, जुलाई, है ना। जुलाई बोलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर AUGUST, अगस्त, अगस्त को हिंदी इंग्लिश दोनों में अगस्त ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखिए, उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर मैं इसको वाइप करूंगी और फिर बाकी का जो हमारा मंथ्स नेम बच गया है उसको लिखवाऊंगी। ओके, नोट कीजिए। चलिए लिख लिया इसको आप लोगों ने? गुड, मैं इसको वाइट कर रही हूँ।
चलिए अब नौवां जो महीना होता है उसे बोलते हैं सितंबर, है ना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सितंबर और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसे, सितंबर। चलिए उसके बाद सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, है ना। इंग्लिश में अक्टूबर और हिंदी में अक्टूबर लिखते हैं, ठीक है। अब आता है नवंबर, है ना। नवंबर और हिंदी में नवंबर, ठीक है। चलिए लास्ट जो हमारा आता है उसे बोलते हैं हम लोग दिसंबर, जिसको कि ऐसे भी लिख सकते हैं दो तरीके से, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, है ना, बिंदु देके या फिर, या इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको आसानी हो, ठीक है। चलिए ये था हमारा मंथ नेम जो कि मैंने 8 तक लिखा है, 9 से मैं लिखवाई उसको फिर से पढ़ के बता रही हूँ। SETEMBER सितंबर, है ना। सितंबर इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में सितंबर। फिर है OCTOBR अक्टूबर, अक्टूबर को हिंदी इंग्लिश में अक्टूबर और हिंदी में अक्टूबर। फिर है NOVEMBER नवंबर, है ना, इंग्लिश में नवंबर और हिंदी में इसे नवंबर या सॉरी नवंबर भी बोलते हैं, लिखने के दोनों तरीके, ठीक है। फिर आता है DECEMBER दिसंबर, इंग्लिश में दिसंबर और हिंदी में इसे दिसंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको मन हो। चलिए तो इसको भी अच्छे राइटिंग में नोट कीजिए, एक पेज में तो आएगा नहीं तो सेकेंड पेज में इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। इसको लिखने के बाद क्या करना है, याद करना है ना। याद करने के बाद अपने पेरेंट्स को सुनाना भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अभी सुन नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ से तो मैं बस आपको होमवर्क ही दे सकती हूँ, सुनने का काम तो होगा नहीं। तो सुनने का काम क्या करना है, अपने पेरेंट्स को करवाना है ना। आप उनको सुना सकते हैं या आपके घर में जो भैया दीदी लोग होते हैं आप उनको सुना दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।